हेमंत बिश्व शर्मा भाई को कहते हैं, वो बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक साल बाद रिजाइन कर देना चाहिए। एक सीएम मुस्लिम्स के लिए भी होना चाहिए, 5 साल में 4 साल हिंदू और 1 साल मुसलमान। रिजाइन करके किसी बोड़ो आदमी को सीएम के लिए प्रपोज कर देना चाहिए। अब 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे, 1 बोड़ो कम्युनिटी का होगा, रिजर्व होगा हमेशा ही। हेमंत बिश्व शर्मा भाई को कहते हैं, वो बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, 1 साल बाद रिजाइन कर देना चाहिए। रिजाइन करके किसी बोड़ो आदमी को सीएम के लिए प्रपोज कर देना चाहिए, हमें मांग ना करनी पड़े, वो खुद कर दें ज़्यादा अच्छा है। आखिर वो नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी फिर मांग करेगी, आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी कि अब 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे, 1 बोड़ो कम्युनिटी का होगा, रिजर्व होगा हमेशा ही। जब जब इलेक्शन होंगे तो 1 बोड़ो कम्युनिटी का 1 साल का सीएम होगा ही होगा, कौन होगा वो बात की बात है। दूसरा, हमारा सीएम होगा आदिवासी कम्युनिटी से, जो कभी नहीं होता, बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उनको बेचारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, वोट ले लिया जाता है, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है तो कहते तुम नाकाबिल हो, ये कह के छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनकी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता, 1 सीएम उनके लिए रिजर्व होना चाहिए। जनरल के लिए भी 1 सीएम रिजर्व होना चाहिए, वो तो खैर हो भी रहा है, 1 सीएम मुस्लिम्स के लिए भी होना चाहिए, 5 साल में 4 साल हिंदू और 1 साल मुसलमान। इस तरीके से एक बैलेंस होगा तो ये जो दंगा फसाद ये करने वाले शासन प्रशासन में पुलिस में एक बैलेंस बना रहेगा, तो पुलिस किसी गलत काम का साथ नहीं देगी। हम 1 सीएम को कह देते हैं तो पुलिस क्या होता है, अब अगर मुख्यमंत्री पुलिस से गलत काम कराने लग जाए तो वो यही करने लग जाते हैं। आपने ढालपुर में देखा, ढालपुर में जिस तरीके से देखा, एक आदमी निहत्था आदमी अगर पुलिस की तरफ दौड़ा आ रहा है तो आप हाथ से पकड़ कर रोक सकते थे, वो क्या कर ले, उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसको गोली मारने की क्या जरूरत थी। तो अब सरकार उसको डिफेंस कर रही है, यही असम में नहीं उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसान आतंकवादी हैं, वो कल कहने लगेंगे कि पत्रकार आतंकवादी हैं, परसों कहने लगेंगे कि ये आसामी आतंकवादी हैं, बोड़ो आतंकवादी हैं। भाई जिनको तुम सर्टिफिकेट दे दोगे आतंकवादी बन जाएंगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जुल्म से पूरा देश आजीज आ गया है। हमने देखिए, अभी तो जो विधानसभा के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें से 4 सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे, भवानीपुर पर होंगे और गोसाई गांव होंगे और तामुलपुर होंगे और माजुली।